अपने रोल के लिए बताएं सर। रावण, रामायण का रावण, लंका का लंकेश रावण, त्रिलोक विजेता रावण, ज्योतिषाचार्य रावण, पूरे ब्रह्मांड को अपने काबू में रखने वाले देवता पंक्ति में खड़े होते थे सिर झुकाकर, यहाँ बैठे हुए जब यज्ञ करते थे और थोड़ा भी चंद्रमा की हंसी सुनाई देती थी तो यहीं से चंद्रमा को डांट देते थे कि चुप रह चंद्रमा, ये कोई इंद्र की सभा नहीं, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे बाधा पहुँचा रहे हो, चुप रहो। तो इस तरह के रावण थे, बहुत प्रकांड विद्वान, चार वेद और छः शास्त्र, और ये चार वेद और छः शास्त्रों के कारण ही उनके 10 सर थे। 10 सर होने का जो कारण है वो 4 वेद और 6 शास्त्र हैं, उसके ज्ञाता थे ये। तो ये रावण, उस रावण की भूमिका मैं कर रहा हूँ। मैं टेलीविज़न में कर चुका हूँ, 2008 में NDTV इमेजिन के लिए बना था, रामानंद सागर जी के सुपुत्र आनंद सागर जी ने बनाया था और मैंने उसमें रावण का रोल किया था। और उसके बाद 2012 में गली गली चोर है एक फिल्म आई थी, उसमें भी जो रामलीला मंडली थी उसमें रावण का रोल करता था मैं। और अभी मैं रामलीला में इस साल रावण का रोल कर रहा हूँ। तो मैं हिंदुस्तान का वो इकलौता एक्टर हूँ जो रामलीला से लेकर टेलीविज़न और फिल्म तक रावण का रोल कर चुका। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और रावण का जो शिव तांडव रचित जो स्तोत्र है वो मैं बचपन से ही पढ़ते आता हूँ, तो ये भी अच्छा है कि मुझे पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ मंच पे दर्शकों के सामने। 5,000 के दर्शक आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा फीलिंग है। अच्छा, जैसे कि आपने खुद बताया कि आप रावण के रोल में बहुत अच्छे से ढल भी चुके हैं और बहुत ज्ञान आप उसके रोल का रखते हैं। आज दर्शक, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, रामलीला देखते हैं, उनको लगता है बस रावण का अंत ही रामलीला का अंत हुआ, लेकिन मैं उस गलती के बारे में जानना चाहूँगा कि आखिर रावण जब इतना विद्वान था तो उसका मति क्यों मारी गई कि उसने सीता का हरण कर लिया, यह एक बार बताएं जरूर। रावण को मालूम था कि वो भगवान राम जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, सीता आदिशक्ति भगवती की अवतार हैं, वो पता था। और रावण अब यज्ञ कर कर के, तप कर कर के, वरदान ले ले के थक चुका था। 64 चतुर्युगी उसकी उम्र थी, एक एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, तो 64 चौका 256 युग उसकी उम्र थी। और वो जानता था कि राम आएंगे, क्योंकि सनकादि सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ने बता दिया था कि तुम्हारा कल्याण तुम्हारे 64वें चतुर्युगी में त्रेता में जब भगवान राम आएंगे इक्ष्वाकु कुल से दशरथ के प्रथम पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भगवान विष्णु जब अवतरित होंगे तो वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो तुम चिंता मत करो। तो रावण तब से इंतज़ार कर रहा था, वो प्रतीक्षा में था कि कब राम आएंगे, राम आएंगे। जब राम आए, जब खरदूषण का वध हुआ तो पता चल चुका कि वो राम आ गए हैं। अब राम लंका कैसे आए, बैर कैसे मोलूं कि मेरा कल्याण करें, मोक्ष तभी प्राप्त होगा, मेरे राक्षस कुल का उद्धार होगा। तो उसने वो एक दुष्कर्म किया कि पत्नी का हरण किया, सीता मैया का हरण किया कि रावण उस कारण लंका आए हमारा उद्धार करें। सीता मैया को उसने छुआ तक नहीं था। टेलीविज़न में दिखाते हैं, सिनेमा में दिखाते हैं कि रावण उठा के ले गया था कंधे पे अपने पुष्पक विमान में, नहीं, उसने अपने नाखून से ज़मीन के साथ, ऐसे ज़मीन के साथ उठा लिया था और पुष्पक विमान पर फिर लेके गया था। अशोक वाटिका में भी हर स्त्री थी जो पहरेदार थी, एक भी पुरुष नहीं था। तो इस तरह का चरित्रवान भी था वो। रावण को चूँकि बुराई के रूप में लिया जाता है कलयुग में, और जो लंका दहन जो हुआ था, जो रावण का वध हुआ था, उसको दशहरा में हम लोग मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जो जीत है वो एक तरह का वो सिंबल है। और इसीलिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को फूंका जाता है कि बुराई को हमने फूंक दिया। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या समाज में मनुष्य अपने बुराइयों को दशहरा में फूंक पा रहा है? नहीं, ये फूंकना पड़ेगा, उसके लिए राम को जानना होगा, राममय होना पड़ेगा, राम के अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि राम ही भारतीय संस्कृति के मूल हैं, राम ही जीवन के आधार हैं,
राम ही मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा है। राम है। एक सवाल और सर, रावण कहा जाता है घमंड रावण का भी नहीं रहा, और मैं तो ये कहता हूँ कि घमंड केवल रावण का रहा, क्योंकि रावण ने अपने प्राण तो त्यागने स्वीकार किए लेकिन अपना घमंड नहीं छोड़ा, तो इस घमंड को रावण के साथ जोड़कर कैसे देखेंगे सर? नहीं, रावण का अहंकार राम के साथ कुछ नहीं था, वो दिखावटी था। वो तो चाहता था राम आए हमारा कल्याण करें, हमें मारें, हमें मोक्ष प्राप्त हो। वाल्मीकि रामायण में ये है कि एकदम रावण की मृत्यु के वक्त वहाँ से प्रकाश निकलता है और राम में जाके लीन हो जाता है। तो जो आत्मा निकलती है वो राम में जाके लीन होती है, मतलब मोक्ष प्राप्त होता है, भगवान में लीन हो गया वो। और वही रावण चाहता था। उसके पहले उसने अपने सारे राक्षसों के उद्धार करवाया, सबकी मृत्यु प्राप्ति, सबको स्वर्ग लोक पहुँचाया, लक्ष्मण को दीक्षा दी उसने। तो राम भी जानते थे, प्रकांड विद्वान है, तभी तो उन्होंने कहा कि मर रहा है, विद्वान है, जाओ कुछ दीक्षा ले लो, हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए। तो लक्ष्मण भी गए थे दीक्षा लेने। तो इस तरह से राम में होना आवश्यक है, राम को जानना आवश्यक है। रावण के अलावा कोई और किरदार आप भविष्य में कोई करना चाहो? मैं कभी किरदार के लिए सोचता नहीं हूँ, मैं ये चाहूँ। हर मनुष्य एक किरदार है अपने आप में, पूरी सृष्टि एक मंच है, डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है, सबका प्रवेश और निकास होता रहता है समय समय पे। उसको जीवन और मृत्यु कहा जाता है, जन्म और मृत्यु। जन्म होता है तो प्रवेश हुआ, और मृत्यु होती तो निकास हो गया, उस मंच से एग्जिट हो गया। तो हर मनुष्य अपना अपना रोल निभा रहा है, कोई पिता का, कोई दादा का, दादी का, कोई माँ का, कोई पुत्र का, कोई चचा का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई पॉलिटिशियन का, कोई प्रधानमंत्री का, कोई राष्ट्रपति का, कोई मंत्री का, कोई पत्रकार का, कोई नेता का, कोई अभिनेता का। तो इस तरह से कोई ब्यूरोक्रेट्स के जो ऑफिसर्स हैं, सफाई कर्मी अपना सफाई करते हैं। तो हर समाज में हर कोई अपना अपना रोल कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि अपने आप से पूछें कि क्या जो किरदार पर ब्रह्म परमात्मा ने देकर भेजा है इस सृष्टि रूपी मंच पर, क्या हम अपने किरदार को सही निभा रहे हैं? क्या हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति वो निभा रहे हैं? इस सृष्टि के प्रति, इस पहाड़ के प्रति, इस नदियों के प्रति, इन जंगलों के प्रति, इन पेड़ पौधों के प्रति क्या निभा रहे हैं? ये सोचना पड़ेगा, तभी जाकर हम मनुष्य बनेंगे। अपना एक डायलॉग बोल दीजिए सर, एक डायलॉग, एक डायलॉग। रावण का, रावण का सबसे फेवरेट यही था, शिवतांडव स्त्रोत। जटाटवी गलज्ज्वला प्रभा पावित स्थले गलैव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद बड्ड मर्मयम चकार चंड तांडवम तनूतुना शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय।